सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों का मामला मुस्लिम लीग नून की तहरीरी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। कहा कि तहरीरी मौरूजात में कहा गया नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। इसी पर बात करेंगे अफजल जावेद, हमारे साथ मौजूद है। अफजल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज दोबारा 13 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच है वो समाप्त करेगा। कुछ देर के बाद समाप्त जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी पाकिस्तान की सरबराही में शुरू होगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानब से तहरीरी गुजारशात जो है आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई हैं। इन गुजारशात में कहा गया है कि तहरीरी मरूजात में जो के मुताबिक जो है नशिस्तें खाली नशिस्तें जो है उनको नहीं छोड़ा जा सकता। तहरीरी मरूजात में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 163A का जो हवाला है वो उसमें दिया गया है और वादे किया गया है कि किसी भी सूरत जो है कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो खाली नहीं छोड़ी जा सकती। नून लीग की जानब से ये तहरीरी जवाब जो एडवोकेट हारिस अजमत की जानब से आज जमा करवाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल जावेद तफसलात का।